रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बरसाए लाठी डंडे और रोडवेज कर्मियों को हिरासत में लिया। बता दें, आज रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान किया हुआ था। वहीं दूसरी ओर इस हड़ताल को रोकने के लिए सरकार द्वारा एस्मा लगाया गया है। सरकार के आदेशानुसार नियमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी SDF वीरेंद्र सहरावत, DSP पवन कुमार, तहसीलदार, रोडवेज GM, सिविल थाना इंचार्ज, सिटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मियों ने जब बस को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन कर्मचारियों पर बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया और हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मियों को हिरासत में ले लिया। जींद में नजारा कुछ ऐसा रहा कि DSP और SDM बसों के आगे आगे और बस पीछे पीछे चलती दिखी। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों की देखरेख में रोडवेज बसें जींद की सड़कों पर दौड़ती नजर आई। पुलिस की इस कार्यवाही के चलते जींद में रोडवेज की हड़ताल बेअसर रही और सभी बसें अपने अपने रूटों पर चलती रही। जींद बस स्टैंड पर कड़ी सुरक्षा की गई। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से एक दो कर्मचारी जो कि बस के आगे आ रहे थे उन पर बल का प्रयोग करते हुए उन्हें हटाया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई बसों को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हिंद एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।